चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने जो 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट जारी किया था, उसके बाद में हम सब इस बात को जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में पिटीशन लग चुकी है। एक पिटीशन का कल डिसीजन था, यानी कि हियरिंग थी, और एक पिटीशन का हियरिंग शायद कल हो सकता है। तो ये एनटीए ने इन सब को देखते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें जो 4 जून को रिजल्ट जारी किया था उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। क्वेश्चन भी वही हैं जो इन्होंने पहले प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, और आंसर भी वही हैं जो इनके आंसर इन्होंने प्रेस रिलीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। इन्होंने फिर वही बात दोहराई है कि नीट 24 का पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी थी, जैसे कि पटना पुलिस थी, गुजरात पुलिस थी, इन्होंने जो सबूत मांगे हैं इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि 22-25% इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और बातें सारी वही की वही हैं जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं और अपने नोटिस के जरिए कही है। ये बात भी उसमें शामिल है कि हमने जो ग्रेस मार्क्स है इसके रिगार्डिंग इसको रिविजिट करने के लिए हाई पावर्ड एक कमेटी का गठित किया है, ये भी बात इन्होंने कही है। मतलब बातें सारी वही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दिया जाएगा, यही रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया है, नोटिस जारी किया है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में ये क्वेश्चन वाइज बता देता हूँ। टोटल 37 क्वेश्चन है जिनके आंसर इन्होंने दिए हैं, फिर भी एक बार मोटा मोटी तौर पर शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यही है कि नीट यूजी क्या है, हम सब जानते हैं, इसके बारे में इन्होंने बता दिया है। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि एनटीए की क्या जरूरत पड़ी नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये तो हम इसके बारे में भी जानते हैं सबकी, एनटीए की क्या जरूरत है, एक दूसरी एजेंसी भी इससे ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। और तीसरा बात इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कहां कहां ये रिजल्ट, कितने कैंडिडेट्स थे इसमें और कौन कौन सी सिटी में 5 मई को एग्जाम करवाया है, और ये 2 बजे से लेकर के 5:20 था ये एग्जाम, के बारे में इन्होंने बता दिया है जो प्रेस रिलीज में पहले ही बता दिया था। कितने लैंग्वेज में ये कंडक्ट हुई है ये भी बता दिया है, इसके बाद में कितनी सिटीज में ये हुई है, और ये जो कौन कौन से ये रिजल्ट से ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन देते हैं इस रिजल्ट से, तो भी ये बीएससी नर्सिंग वगैरह है, ये वेटनरी है, ये सारा का सारा इन्होंने इसमें बताया है कि वो एडमिशन इसमें होते हैं, इन इन ऑर्गेनाइजेशन में इस नीट स्कोर से एडमिशन होते हैं। अब इस नीट यूजी में एनटीए का रोल क्या है हम जान ही रहे हैं, एनटीए का रोल क्या है वो तो हम इन दिनों में काफी जान चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद भी एनटीए का रोल क्या है, इसमें हाइलाइट्स क्या है 2024 वाले में, तो इसमें हाइलाइट्स में जो इन्होंने प्रेस रिलीज दे रखा था उसमें सारी डिटेल दे रखी है, कितने एनआरआई हैं, कितने इंडियन कैंडिडेट्स हैं, कितने फॉरेन कैंडिडेट्स हैं इसमें, ये सारी की सारी डिटेल इन्होंने फिर से यहाँ इस आंसर में दे दी है, जो क्वेश्चन के इन्होंने आंसर दिए गए हैं। इस बार कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं तो भी इन्होंने ये बता दिया, कितने स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, कितने क्वालिफाइंग हुए हैं, तो 13,16,000 स्टूडेंट क्वालिफाइंग का इन्होंने बता दिया, ये भी पहले प्रेस रिलीज में बता चुका था। और इसके बाद में एग्जामिनेशन के लिए इसमें जो कंडक्ट हुआ था एग्जाम, इसके अंदर कितने जो सिटी थे, कितने कैंडिडेट्स थे, कितने ज्यादा कैंडिडेट्स थे, ये इन्होंने बताया है। सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है मॉनिटर के लिए, ये सारी की सारी इन्होंने ये सारी कहानी इसमें बता दी है, जो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है, क्या था एक्चुअल में। अब इसमें स्टेट में कितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, कितने अपेयर थे, कितने स्टेट वाइज, ये डिटेल पहले भी दे रखी है इन्होंने। इसके बाद में इन्होंने ये क्वेश्चन ही खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं कि क्या सिलेबस रिड्यूस था, तो इन्होंने बताया कि 22-25% सिलेबस रिड्यूस था इसमें। इसके बाद में ये आगे लिखा है कि आंसर की कार, इसमें रिस्पॉन्स सीट कार, ये हवाला दिया गया है कि इतनी तारीख को हमने ये दिया था, इतनी तारीख को आंसर सीट दी थी, इतनी तारीख को रिस्पॉन्स सीट दी थी, और चैलेंज का ऑप्शन दिया गया था इसमें। इसके बाद में ओमार आंसर सीट चैलेंज के लिए इतनी तारीख से इतनी तारीख का समय दिया गया, तो ये 15 क्वेश्चन तक इनके आंसर है। अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर में ये कहा गया है कि जो जीआरएससी कमेटी बनाई गई थी जो ग्रेस मार्क्स देने के लिए, वो ये जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को किस लिए, ये इन्होंने किस बेस से ये मार्क्स दिए, तो इन्होंने बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ था। तो ये इन्होंने बताया है कि कुछ पिटीशन लगी थी हाई कोर्ट्स में, उसके अकॉर्डिंग हमने ये जीआरसी कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो ये ही इसमें सारा सब कुछ बताया है। और ये कैलकुलेट कैसे किए हैं, तो इसने केस का जो 551 हमने पहले केस बताया था, जो क्लैट एग्जाम का एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि लॉस ऑफ टाइम
की वजह से इनको ग्रेस मार्क्स इस ऑर्डर के तहत दिए हैं जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन ये ऑर्डर क्लैट का था, ये इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में 718 और 719 नंबर कैसे दिए गए, तो उन्होंने क्या बताया कि इनको ग्रेस मार्क्स मिला था, इसकी वजह से हमने इनको नंबर दे दिए। अब ये दिया है इसमें कि ये जो 1563 कैंडिडेट हैं, इनके अलावा भी किसी को ग्रेस मार्क्स दिया गया है क्या, तो इन्होंने कहा है कि इनके अलावा किसी को लॉस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है, ये रिटर्न में दे रहे हैं ये लोग। इसके बाद में जो 44 स्कोरर हैं, वो स्कोरर के अलावा इन 44 जो 720 हैं जिनको एक क्वेश्चन सही किया था फिजिक्स का, मतलब दो ऑप्शन दिए गए थे, उसके बाद में 44 कैंडिडेट के 720 आए थे, क्या इसमें ग्रेस मार्क्स वाले भी शामिल हैं, तो इन्होंने बोला नहीं इसमें नहीं है, ये ग्रेस मार्क्स वाले नहीं है, इनको फिजिक्स के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के दो आंसर दिए गए थे, उसी वजह से 44 कैंडिडेट्स हैं इसमें। इसके बाद में इसने बोला कि जो एक आंसर आपने चेंज किया है वो कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उसके बाद में किस बेस पर दिया गया है कि हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये लिख रखा है कि एक से ज्यादा सही अगर आंसर सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, तो उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ये इन्होंने लिख दिया है जो फिजिक्स का आंसर दिया गया था। इसके रिगार्डिंग दिल्ली हाईकोर्ट में भी केस लगा हुआ है जिसकी आज हियरिंग है। इसके बाद में सीसीटीवी का इन्होंने बता रखा है कि सभी जगह सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, ये इन्होंने बता रखा है कि सभी जगह सारे सेंटर्स पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है इन्होंने। इसके बाद में नेक्स्ट में इन्होंने बता रखा है सीसीटीवी के बारे में कि जो एग्जाम हॉल में है वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह ये सारा लिया गया है कैंडिडेट का, और सारी चेकिंग वगैरह की गई है, तो ये बताया है इसमें कि हमने सारा सब कुछ फॉर्मेलिटी कर लिया है, और इसमें जो कैंडिडेट्स ने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, तो उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि जो एक्शन लिया गया है इस बार 23 में वो 63 कैंडिडेट के साथ में हमने एक्शन ले लिया है। बड़ी अच्छी बात है, 63 कैंडिडेट्स के साथ में एक्शन ले लिया है, पहले 12 के साथ में लिया था 3 साल पहले, फिर 2 साल पहले 9 कैंडिडेट्स के साथ में, और पिछले साल ये लिया था 32 कैंडिडेट्स के साथ में ये जो एक्शन है वो लिया गया था, तो ये इन्होंने ये बताया है ये पूरा का पूरा। अब जो ये मेरिट दी गई है, जैसे 720 के 67 कैंडिडेट हैं, तो इसमें इन्होंने दिया है एप्लीकेशन नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर, इसके अंडर इन्होंने ये तैयार की है, 720 का भी किया है, बाकी सबका भी इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है, 23 में भी हमने ऐसा ही किया था, ये बता रहे हैं ऐसा। इसके बाद में इन्होंने कट ऑफ बताई है, जो प्रेस रिलीज में बताई थी हमने भी बताया था कि कट ऑफ इतनी इस बार ज्यादा गई नहीं है, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है ये ज्यादा नहीं है, जो प्रीवियस ईयर है उससे थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुई है, जो होती है हर साल, तो इतना इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है कट ऑफ में, तो ये बता रहे हैं इसमें। अब इसमें ये बता रहे हैं कि इस बार कितने ज्यादा कैंडिडेट्स थे, इतने ज्यादा कैंडिडेट का हाई परफॉर्मेंस था, इसमें 720 के 67 कैंडिडेट इसलिए आए कि 44 कैंडिडेट्स को उसमें आंसर की में जो फिजिक्स का क्वेश्चन चेंज हुआ था उससे 44 कैंडिडेट के 720 आ गए, इसमें 6 कैंडिडेट ग्रेस मार्क्स वाले थे और 17 कैंडिडेट्स थे वो पहले ही थे इसमें, तो इस प्रकार से इन्होंने वही जो प्रेस रिलीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है वही बात इन्होंने यहाँ बोल दी है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, इसमें लिखा है कि जो 100 कैंडिडेट्स हैं कौन सी कंट्री से हैं, कहां से वो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल वही दी है जो पहले इन्होंने दे रखी है प्रेस रिलीज में। तो इसमें जो हाई स्कोरर हैं उनका आपने कैसे निकाला है करके, तो इन्होंने ये बताया है कि जो सीसीटीवी है फुटेज है वो एग्जामिनेशन के दौरान हमने पोस्ट एग्जाम में ये एग्जामिन करके ये सारा का सारा फुटेज वगैरह और उसके जो टॉप स्कोरर हैं उनके अकॉर्डिंग ये सीसीटीवी के अकॉर्डिंग किया है ये सारा का सारा जो पहले इन्होंने बता रखा है। अब इसमें क्या है कि बिहार और गोधरा में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में क्या है, तो इन्होंने बताया है कि पेपर लीक के लिए तो इन्होंने मना कर दिया है कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है इसमें, और इसमें चीटिंग वगैरह हुई है और पेपर लीक नहीं हुआ है इसमें, इसको ये चीटिंग ही है, ये पेपर लीक नहीं है। और इसमें आगे भी लिखा है कि एनटीए ये डिनाइड कर रहा है कि ये पेपर लीक का केस नहीं है इसमें, और इसमें एनटीए ने काफ़ी सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ किए हैं, ये सारा का सारा इन्होंने बताया है। आप ये इसकी जो पीडीएफ है वो मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, और आप इसको इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जो नीट की exams.nta.ac.in वेबसाइट है उस पर भी ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप ये सारा देख सकते हैं। इसने आगे लिखा है कि पटना पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट्स से हमारे से डिमांड की थी वो डॉक्यूमेंट्स हमने उनको प्रोवाइड करवा दिए हैं और हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर। लिखने को तो काफ़ी कुछ लिखा है। सवाई माधोपुर सेंटर के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि जो मॉडल स्कूल में एग्जाम सेंटर था उस एग्जाम सेंटर में
जो ये प्रेस रिलीज में लिखा था वही बातें सारी इसी में लिखी गई हैं। और लास्ट में ये लिखा गया है कि उस एग्जाम सेंटर पर हमने 5 मई को ही एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था, फिर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था। ये तो पहले प्रेस रिलीज में भी दे रखा है। सोलवर गैंग के बारे में भी यहाँ कहा गया है कि हमने ऐसे जो इंडिविजुअल्स थे उनको चेकिंग किया है प्रॉपर, तो ऐसा ये कुछ से केस हैं वो अगेंस्ट उसके रिपोर्टेड हुए हैं, स्टेट पुलिस ने रिपोर्ट किए हैं, हमने भी कुछ केस रिपोर्ट किए हैं, ऐसा करके इसमें ये सारा का सारा सब कुछ इसमें दे रखा है जो आंसर दिए हैं इन्होंने। अब इसमें आगे लिखा है कि आपने ये रिजल्ट 4 जून को ही क्यों दिया 14 जून की बजाय, जबकि आपने 14 जून का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है। तो इन्होंने वही बात बोली है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि हमने रिजल्ट पहले तैयार कर लिया, तो पहले तैयार कर लिया तो हमने रिजल्ट को पहले दे दिया, तो ये बात इन्होंने बोली है। अभी देखो यहाँ एक देखने वाली बात ये भी है कि इन 1563 सेंटर का इन्होंने रीविजिट करके, उनके सीसीटीवी फुटेज देख के, सारा सब कुछ करके एक ही महीने में रिजल्ट इन्होंने तैयार कर दिया, जबकि पिछली बार इनको काफी टाइम लगा था यहाँ पर। अब यहाँ एक आगे ये बात आ रही है कि जो स्कोर कार्ड और उसमें जो ये आ रही है आंसर सीट और स्कोर कार्ड में इनकरेक्ट रिजल्ट का स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि इसमें मिसमैच है। तो इसमें उन्होंने ये दिया है कि जो आंसर सीट है, स्कोर कार्ड है, ये स्टूडेंट को हमने पहले दे दिया है और इसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की ओमार सीट और आंसर सीट में नहीं है। हमने उनको पहले ऊपर वाले में भी ये बताया है कि हमने इतनी तारीख को ओमार सीट भेज दी है, इतनी तारीख को हमने रिस्पॉन्स सीट भेज दी है, तो इसमें कोई ये गलती नहीं मान रहे हैं कि इसमें कोई गलती है इसमें। अब इसमें ये आगे क्वेश्चन खुद ही पूछ रहे हैं, खुद ही उसका रिप्लाई दे रहे हैं कि एनटीए ने क्या उसके बारे में, वायरल वीडियो जो हो रहा था उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया है। जो स्कोर के बारे में, ओमार सीट के बारे में बताया था, जो ओमार सीट फटी हुई के बारे में बताया था, जो एक लड़की का आयुषी पटेल का केस था उसके बारे में इन्होंने बताया है कि कोई ओमार फटी हुई नहीं थी और ओमार बिल्कुल सेफ थी। और यहाँ पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी उसका रिजल्ट डाउनलोड हो रहा है और हमारे पास में जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ओमार सीट भी सही है और उसका रिजल्ट भी सही है, कोई उसमें ओमार सीट फटी नहीं हुई है। अब इसमें लास्ट में एक चीज और बोली हुई है, लास्ट में ये कहा गया है कि क्या ये सत्य है कि एक कमेटी गठित की गई है ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग। तो इन्होंने बोला है हाँ ये सत्य है, एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है, वो इसमें इस केस को रिविजिट करेगी और जो 1563 कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में इसमें रिविजिट किया जाएगा जिनका टाइम लॉस हुआ है, तो इसके बारे में ये बोला है इसमें। इसके बाद में लास्ट में अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ने ही बनाए हैं और खुद ने ही आंसर दिए हैं, तो इस प्रकार का ही ये मेरे को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दिया जाएगा एनटीए की तरफ से। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अपने तरफ से कर रहे हैं ये, जैसे कि उनके साथ में कोई गड़बड़ी हुई है, अगर एनटीए की तरफ से इस प्रकार का हुआ है तो वो कोर्ट के अंदर उस केस को ले जाएं, कोर्ट की नोटिस में लाएं। उसमें ऐसा होता है कि कोर्ट एनटीए से रिकॉर्ड मंगवाता है, उस रिकॉर्ड के अनुसार प्रॉपर चेकिंग होती है। स्टूडेंट अपने तरफ से कुछ ना करे, देखो मेरा कहना यह है कि स्टूडेंट अपने तरफ से कुछ करेंगे, प्रीवियस ईयर में भी मेरे को ये देखने में आया है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में काफी रहा है, 15 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। तो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इस प्रकार की गलतियां करते हैं, तो इस प्रकार की गलती ना करें। काउंसलिंग में भी हमारे पास इस प्रकार की गलतियां देखने के लिए आती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। 2022 का एक केस मैं आपको बताता हूँ, 2022 का जब मोपअप राउंड खत्म हो गया था, मोपअप राउंड का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में मोपअप राउंड का रिजल्ट आने के 2 दिन या 1 दिन बाद में मेरे पास सुबह सुबह जो काउंसलर हैं दिल्ली के डॉक्टर विनोद कुमार जी, उनका मेरे पास फोन आता है कि सर इस प्रकार से एक स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, जबकि उसको साउथ में एक कॉलेज अलॉट हो गई है और अलॉटमेंट लेटर उसका डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर जब वो लॉगिन कर रहा है तो नए तो मोबाइल पर मेल जा रहा है, ओटीपी जा रहा है और नए मेल पर ओटीपी जा रहा है। मैंने भी काफी प्रयास किया उस बच्चे की, मैंने रिजल्ट की कॉपी मंगवाई, इसमें एडमिट कार्ड की कॉपी मंगवाई और जो कंफर्मेशन पेज था उसकी कॉपी मंगाई और मैंने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन रिजल्ट यही निकल रहा था कि वो बच्चा बार बार बोल रहा था, मैं जब वहाँ ओटीपी भेज रहा था तो बच्चा बार बार बोल रहा था कि मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहे हैं। हमने उसको सजेस्ट किया कि आप जिस कॉलेज, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप वहां जाइए और वहां पर बोलिए कि मेरा ये कॉलेज अलॉट हुआ है, आप मेरे को एडमिशन दे, क्योंकि एक कॉपी अलॉटमेंट लेटर की वो कॉलेज के पास में पहुंच जाती है। हमने उस बच्चे को कॉलेज भेजा, वहां से कॉलेज से बात हुई और बात होने के बाद में पता लगा कि इस रैंक पर ऑलरेडी एक बच्चा एडमिशन ले चुका है,
तब मेरा थोड़ा सा ऐसे दिमाग खराब हुआ कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, हो सकता है कि एक ही बच्चे को दो रैंक तो अलॉट हो नहीं सकती है। तो मैंने जब उसका पूरा रिकॉर्ड देखा तो क्या होता है कि जो अपना रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है और कंफर्मेशन पेज होता है, उसके नीचे एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के ओब्लिक के बाद में एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर ये लिखे होते हैं, एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं। तो वो एप्लीकेशन नंबर स्टूडेंट जब चिटिंग करता है या फिर चेंज करता है तो वो देखता नहीं है नीचे क्या ये एप्लीकेशन नंबर ही है। तो मैंने देखा वो एप्लीकेशन नंबर डिफरेंट थे उसके, उस एप्लीकेशन नंबर से उस बच्चे का रिजल्ट निकाला तो उसका रिजल्ट 200 के नियर बाई मार्क्स आ रहे थे उसके। हालांकि ये 2022 की बात हो चुकी है, मैं भी इसको कुछ भूल चुका हूँ, इसमें मेरे को कुछ कुछ बातें ही याद हैं, वो कौन सा कॉलेज उसको अलॉट हुआ था, क्या हुआ था, मैंने भी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि उस बच्चे ने बाद में मेरा भी फोन उठाना बंद कर दिया और डॉक्टर विनोद कुमार जी का फोन भी उठाना बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर वो कहानी वहीं खत्म होगी। तो इस प्रकार की स्टूडेंट गलतियां न करें, वो अपने पेरेंट्स को साफ बता दें, जो बात है वो अपने पेरेंट्स को साफ बताएं कि मेरे साथ ये घटित हुआ है, मेरा स्कोर इतना ही है, मेरा स्कोर बढ़ा नहीं है इस बार, ये रीजन है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देती है। वो बच्चा पहले ही अपने पेरेंट्स को बता देता तो साउथ की एक कॉलेज में बाई ईयर जाकर के वहां 50,000 रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं निकलता था। तो स्टूडेंट क्या है, झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए उनको 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो ये हमारा पहले एक्सपीरियंस रहा है कि इस प्रकार की स्टूडेंट गलतियां न करें क्योंकि एक दिन सच तो सामने आएगा ही। दूसरी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में हीरिंग के लिए मैंने बताया था कि एक केस की हीरिंग और होनी है क्योंकि कुछ पिटीशन और लगी है, तो वो हीरिंग आज नहीं हो पाई है। हो सकता है कि वो हीरिंग कल हो या परसों हो। जब भी उसके बारे में कोई अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हर्षय चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।